हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम है जाबिर और यह देख सकते हैं, यह है मेरे पास रियलमी 8। तो इसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ यहाँ हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है। यहाँ आपका स्क्रीन ऑफ रहेगा तो यहाँ आपका फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा, तो यहाँ आपका टाइम और बैटरी परसेंटेज वगैरह नोटिफिकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप अपने रियलमी 8 फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर इनेबल नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताने वाला हूं आप अपने रियलमी 8 प्रो में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कैसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास और भी कोई रियलमी का फ़ोन है जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है तो उसमें भी आप सेम ही ऐसे ही इनेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ सबसे पहले अपने फ़ोन को अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल करने के लिए सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ हमें होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ एक आइकन बन के आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका कैसा इनेबल रहेगा फ़ोन में। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरा इनेबल है, तो यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ अभी डिसेबल हो गया है, इनेबल ऐसे ही कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ देख सकते हैं डेट, नोटिफिकेशन, बैटरी। तो अगर आपको डेट नहीं दिखाना है अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखाना है तो ऐसे आपको इसको अनटिक कर देना है। और यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ बता रहा है आप इसको दिखाना चाहते हैं ऐसा दिखेगा, तो यहाँ मैं सभी में टिक ही रहना देता हूँ। अगर आपको नहीं रखना है अनटिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पावर सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है और शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है और ऑल डे का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ हमें तीन ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ तीनों में आप अगर पावर सेविंग में रखते हैं तो आपका यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा, और यहाँ आप शेड्यूल में रखते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइम तक आपको ऑन रखना है अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। तो यहाँ मैं ऑल डे पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बैक आ जाना है। ऑल डे पे आप रखोगे तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पूरा डे ऑन रहेगा। तो ऐसे ही आपको सारा कुछ सेटिंग कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपका स्क्रीन जब भी ऑफ होगा तो यहाँ देख सकते हैं ऑफ कर दिया, उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल कर सकते हैं रियलमी 8 प्रो में, सेम ही प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।